हाय गाइस, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये है रामराज मंदिर चिटाई धाम का यज्ञ कुंड। मैं आपको और वीडियो में अच्छे से दिखाता हूं आगे चलकर। ये देखिए विश्वकर्म बृहस्पति लिखा हुआ खंभे में, हर खंभे में यहाँ कोई ना कोई देवता का नाम लिखा है। यह दान पेटी और ये सब वही कलश है फ्रेंड्स, जो कलश यात्रा के दिन उठाया गया था। ये देखिए सभी लोग कितने श्रद्धा से परिक्रमा कर रहे हैं, ये देखिए प्रणाम कर रहे हैं यज्ञ कुंड के द्वार पे। हर खंभे में कोई ना कोई देवता का नाम लिखा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसे। और ये भी यहाँ पे भी लिखा है। ये किसका साउंड है फ्रेंड्स, देखिए ज़रा नाम आरसी साउंड। और देखिए सभी कितने आनंदित हैं, खुश हैं, सभी श्रद्धा से परिक्रमा कर रहे हैं। राम जी सबका मनोकामना पूर्ण करें। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये यज्ञ कुंड और पूरा रामराज मंदिर तथा जो खाली स्पेस है जहाँ पे मेला वेला लग रहे हैं, टोटल मिलाकर 5.5 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है ये। और इस खंभे में लिखा नागराज। और मैं चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग जब भी रामराज मंदिर आएँ तो इस यज्ञ कुंड का एक बार परिक्रमा जरूर करें। एक बार करने से भी उतना ही पुण्य मिलता है, 5 बार करने से भी, 7 बार करने से भी, जितना बार आपकी इच्छा हो, जितना आपकी श्रद्धा हो, जितना आपकी भक्ति हो, उतना बार आप परिक्रमा करें। ये पुआल और बिचाली का बना हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और भव्य बनाया है। यहीं पे वीडियो को फ्रेंड्स मैं लास्ट करता हूँ फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।